हेलो फ्रेंड्स, टॉप 10 क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ इकोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि TGT VGT में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम का नाम सबसे पहले किसने दिया? हु फर्स्ट गेव द नेम इकोसिस्टम? मैं चारों ऑप्शन रीड नहीं करूँगी क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, तो सबको पता है किसने दिया था ये क्वेश्चन। नाम सबसे पहले इकोसिस्टम का किसने दिया? टेंसली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी को देखो किस तरह से घुमा के पूछा गया। एजी टेंसले ने शब्द दिया, यानी एजी टेंसले कॉइंड द टर्म। तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा? इकोसिस्टम, यानी इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट देखिए कैसे पूछा ये। पारिस्थितिक तंत्र शब्द विस्थापित किया, यानी द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय। इसमें राइटर पूछ लिया गया पहले की तरह, तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? अभी आपको बताया था, तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा आपका बी। नेक्स्ट देखो, फिर से वही रिपीट हुआ है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द प्रथम बार किसने दिया? कैसे भी आपको पूछ ले, आपको आंसर क्या लगाना है? टेंसले ही लगाना है। इसका भी आंसर क्या होगा? द वर्ड इकोसिस्टम वॉज फर्स्ट कॉइंड बाय टेंसले। नेक्स्ट देखिए और ये कैसे पूछा गया है। इसमें भी देखो, क्वेश्चन नंबर 5, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? इसे फिर से वही रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इको टाइम शब्द किसने प्रस्तावित किया? इको टाइप। हु कॉइंड द टर्म इको टाइप? अब इकोसिस्टम नहीं पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है? इको टाइप। तो ये किसने दिया? तो ऑप्शन ABCD में से इसका आंसर क्या आएगा? टरेशन। टरेशन ने इको टाइप शब्द सबसे पहले दिया था। ये इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा, जिससे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा अगर मैं रीड करूँगी तो। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की सतह को घेरने वाला जीवित पदार्थों का समूह कहलाता है। द स्फीयर ऑफ लिविंग मैटर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कंप्राइजेस। तो ऑप्शन ABCD में से क्या होगा आपका? लिथोस्फीयर, जलमंडल, वातावरण, जयमंडल। तो इसका आंसर होगा बायोस्फीयर, यानी कि जयमंडल। नेक्स्ट, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिए। पौधों में कई समुदायों का अपने आसपास के वातावरण से जो रिश्ता होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ABCD में से देखिए, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ग्रुप ऑफ प्लांट विद इट्स सराउंडिंग इज नॉन एच। तो ऑप्शन ABCD में से आपको दिख गया कौन होगा? सीन इकोलॉजी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन में क्या होगा? किन्हीं जीवों अथवा पौधों के कई समुदाय का अपने आसपास के वातावरण से संबंध क्या कहलाता है? सीन इकोलॉजी, या इसी को क्या कहते हैं? कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया था? श्रोएटर एवं क्रिस्टर ने कब दिया था? 1896 में। तो सीन इकोलॉजी किसे कहते हैं? जीवों अथवा पौधे के कई समुदायों का अपने आसपास के वातावरण से संबंध को सीन इकोलॉजी कहते हैं। इसका नाम सबसे पहले किसने दिया था? श्रोएटर एवं क्रिस्टर ने 1896 में दिया था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, समुदाय पारिस्थितिकी अध्ययन है, सिन इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। अभी मैंने आपको बताया था, तो गैस कीजिए ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही होगा ए, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा प्रचुर वन में किया गया पारिस्थितिक अध्ययन है जैविक। ABCD में से कौन सा बताइए? एन इकोलॉजिकल स्टडी अंडरटेकन इन रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इज। ABCD में से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सीन इकोलॉजिकल। नेक्स्ट, जब एक समष्टि पहले धीमी गति से बढ़ती है, फिर तेजी से, तथा लास्ट में आके कैसे हो जाती है? स्थाई, तो समष्टि वृद्धि चक्र कैसा होगा? When a population first increases slowly, then rapidly, and finally becomes constant, the population growth curve will be। यानी जब कोई समष्टि पहले धीमे धीमे ग्रो करती है, फिर तेजी से, और लास्ट स्टेज कैसी आती है? जो कॉन्स्टेंट हो जाती है। तो उसका शेप कैसा होगा बताइए? ABCD में से गैस कीजिए कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, देखिए लिखा हुआ है।
जबकि पॉपुलेशन पहले धीमी गति करती है, फिर तेजी से, लास्ट में कॉन्स्टेंट हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, एस शेप का आकार कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ओजोन की परत कहाँ उपस्थित रहकर पृथ्वीवासियों को परावैगनी किरणों से बचाने का कार्य करती है। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर इन विच एरिया प्रोटेक्ट द रेसिडेंट्स ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये आंसर बहुत ईजी है, इसका क्या होगा, समताम मंडल यानी स्टेटो स्फेयर। ये इसका एक्सप्रेशन है, आप रीड कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो कब मनाया जाता है, ABCD में से गेस कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 16 सितंबर। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में एकमात्र गैस जो सूर्य की खतरनाक विकिरण को अवशोषित करती है, द ओनली गैस इन द एटमोसफियर देन कैन एब्जॉर्ब द सन्स डेंजरस रेडिएशन इज। तो ये क्वेश्चन भी सभी को आता होगा, ऑप्शन ABCD में से कौन सा होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी ओजोन, ये अल्टीग्रेड में भी पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, बचावकारी ओजोन परत के घटने का मुख्य कारण क्या है इनमें से, डिप्लेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर इज मेनली कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन ABCD में से क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत का विनाश कर रहा है, फिर से वही क्वेश्चन है, इस तरह से घुमा के पूछ लिया गया, तो ओजोन लेयर इज इन अपर एटमोसफेयर इज डिस्ट्रॉयड बाय, तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा होगा, इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, क्षतिग्रस्त ओजोन परत स्थित होती है, इसका अपोजिट देखिए, द डैमेज्ड ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका भी होगा समता मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 72वें संरक्षण पर प्रथम वर्ल्ड अर्थ समिट किस देश में हुई थी, फर्स्ट अर्थ समिट फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, तो इंडिया, ब्राजील, स्पेन, पेरू, तो इसका आंसर पता है आपको सबको, ब्राजील। नेक्स्ट देखिए, इसका एक्सप्रेशन आप रीड कर लीजिए, मानवीय पर्यावरण प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम में किस वर्ष हुआ था, इसमें ईयर पूछ लिया फर्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले में क्या पूछा गया था, किस जगह पे हुई थी, इसमें देखो, फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट वॉज हेल्ड इन स्कॉटहोम इन द ईयर 1972, 1986, 1992, तो किसमें दिया गया था, 1992, अभी एक्सप्रेशन में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन का निर्माण सर्वाधिक होता है भारत, यूरोप, अंटार्कटिका, अफ्रीका, लार्जेस्ट ओजोन फॉर्मेशन अकर इन, ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी अंटार्कटिका। ये कह रहे हैं नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, ऑप्शन देखिए ABCD में से, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, कितने जीव मंडल हैं, 18, इसका आंसर होगा 18, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ये देखो, जीव मंडल सर्वोच्च क्षेत्र का बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है, 18। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में वन आच्छित क्षेत्र कितना होना चाहिए, 45%, 80%, 67%, 33%। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हाउ मच फॉरेस्ट कवर शुड बी देयर इन हिली एरियाज, तो इसका आंसर कितना होगा, 67%। इसका एक्सप्रेशन देखो, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में कुल एक तिहाई पे कितना होना चाहिए, 33% पर वन होने चाहिए, और पहाड़ी क्षेत्रों में इसका कितना होना चाहिए, 2/3 यानी 67%। नीलगिरी आरक्षित जीवन मंडल अवस्थित है, ऑप्शन ABCD में से गैस कीजिए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इन इज आइसोलेटेड इन, कौन सा होगा इसका आंसर, इसका ऑप्शन होगा डी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक।
देखो इसका आखिरी क्वेश्चन, नीलगिरी आरक्ष जीवन मंडल भारत के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है, जो कि इसे क्या बोला था, वेस्टर्न घाट। अगर ऑप्शन में आपको तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक ना मिले तो आपको किस पर टिक कर देना है, वेस्टर्न घाट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधा घर प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट निम्न का मुख्य कारण हो सकता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मे बी मेनली अ कॉज ऑफ, ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी मरुस्थली भूमि का बढ़ना, राइज इन डेजर्ट लैंड। एक्सप्रेशन है, ग्रीन हाउस प्रभाव से उत्पन्न संकट किसी एक देश की समस्या नहीं है बल्कि एक सर्वव्यापी पर्यावरण समस्या है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा वृद्धि के कारण 50 वर्षों में पृथ्वी के औसत तापमान में कितनी वृद्धि हो चुकी है अब तक, 1 डिग्री सेल्सियस की। तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन रखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।